मध्य प्रदेश के बड़वा सहित आसपास के क्षेत्रों में नाग मंदिरों में रविवार को नाग दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर से 3 किलोमीटर दूर वन क्षेत्र सुरतीपुरा तालाब पर स्थित अति प्राचीन पांडवकालीन नाग मंदिर सहित अन्य मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन का सिलसिला दिखाई दिया है। यहाँ दूध से महाभिषेक भगवान का किया गया है और पूजन अभिषेक किया गया है। वहीं महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। नाग देवता का इस दिन विशेष श्रृंगार किया गया है। इसके बाद भंडारा प्रसादी का भी वितरण हुआ है। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो इस अवसर पर मंदिरों में महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। से अभिषेक हवन हुआ और उसके बाद में भंडारे का आयोजन था। भारी से भारी पब्लिक आ रही है और भंडारा आगे चल रहा है और शाम तक रात को 10 बजे तक खाना चलेगा। कल भी कार्यक्रम था भगवान मंदिरों का, रामायण का था और भगवान का अच्छा उसको मनाते हैं हम आकाल और अक्सर आपका भगवान बना के सबको खिलाते हैं। नाग दीपावली प्राचीन समय से भगवान राम विवाह पंचमी के नाम से जानी जाती है। राम विवाह पंचमी पे भगवान राम सीता का विवाह हुआ था और इस रूप में इसको नाग विवाह पंचमी मनाते हैं। आज सुबह प्रातः बाबा का अभिषेक हुआ, उसके बाद में श्रृंगार 56 भोग महाआरती एवं अन्नपूर्ति प्रसादी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। सर्वसैन समाज समिति बड़वा द्वारा आज नाग दीपावली के अवसर पर सहस्त्र दीप भगवान भोलेनाथ नागेश्वर मंदिर में जलाकर नाग दीपावली मनाई गई। उद्देश्य हम सबका यही है कि वह नागेश्वर महादेव हमारे देश में तरक्की प्रगति और खुशहाली दे, हमारे देश को नगर को और समाज को तरक्की के पथ पर अग्रसर करे, सभी तरफ शांति और खुशहाली बनी रहे। जय हिंद।